आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कूट करी। ये भी ओणम का एक सद्या है, साइड डिश है, स्पेशल थ्रिशूर साइड में बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसे केले लिए, कच्चे केले, उसको इस तरह से काटा है, सूरन लिया, इस तरह से काटा है, ढोकला येलो कलर का पंपकिन, इसको इसे करी पत्ता लिया, थोड़ा सा डाला है, और इसे मैं बॉईल करूँगी, बट ज़्यादा मैं उसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, थोड़ा सा नमक डालूँगी और हल्दी डाल के इसे बॉईल करूँगी। और मीनवाइल, जैसे मैंने लास्ट मेरी रेसिपी में बताया था, कोकोनट का ड्राई बनाने के लिए मैंने दूसरे स्टोव में कोकोनट का ड्राई कर दिया। ये अपना कोकोनट ड्राई करने के लिए लास्ट इसमें भी आपको दिखाया था, कोकोनट ऑयल डालूँगी मैं, एक टेबलस्पून, बड़ा टेबलस्पून है मेरा। उसमें मैं राई डालूँगी, थोड़ा सा जीरा डालूँगी, क्योंकि इसमें जीरा का टेस्ट आता है, तो इसे थोड़ा सा जीरा डालूँगी। मूंग दाल डालूँगी, सॉरी ऊंट दाल डालूँगी, आप देख सकते हो उड़द दाल भी मेरा मस्त ये हो रहा है। करी पत्ता डालूंगी, इसमें 3/4 कप ऑफ नारियल लेना है, क्योंकि ये कूट करी है, इसमें वो नहीं ज़्यादा है, और पहले इसमें ना ये कम था, तो फ्राई करते हुए इस टाइम 3/4 कप लेंगे अपन, और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट पक गया है, बहुत पकाना नहीं है, थोड़ा मतलब 80%। अब मैं इसमें, मैंने इसे उबाला है काला चना, वो इसमें डालूंगी, थोड़ा एक मिनट मिक्स करूंगी। इसमें काली मिरी का मेन रोल है, तो काली मिरी मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी मैंने डाला है, थोड़ी स्लाइटली हल्दी डालती हूँ, नमक ऑलरेडी डाला है, प्लस मेरे ये जो कोकोनट मिक्स है इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, कोकोनट डाला है, जीरा डाला है, और करी पत्ता डाल के ज़्यादा पानी नहीं किया, थोड़ा सा पानी में मिक्स किया है, वो पूरा मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने 1/4 लिया है, और वो जो मैंने फ्राई किया है वो 3/4 कप ऑफ ग्रेटेड और कॉकलेट लिया है, मेरा वो ड्राई भी हो गया, आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। अब मैं इसे मिक्स करूँगी, एक 2-3 मिनट इसे मिक्स करके रखूँगी, जब तक इसके थोड़े पानी जो है थोड़ा से ये नहीं रहता, क्योंकि साइड भी ये थोड़ा सूखा रहता है, ग्रेवी नहीं रहता है। और इसमें ऐसे ये सर्दिया का है, तो मैं इसमें गुड़ डालूंगी, और इसे कंटिन्यूस हिला के पकाऊंगी। ऑलमोस्ट मेरा पानी जो है थोड़ा निकल, ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, और मैं इसमें अपना जो कोकोनट ड्राई है वो डालूंगी। मस्त फ्रेग्रेंस आ रहा है काली मिरी का साथ में, इसे मिक्स करूंगी मस्त पे। अभी इसे मैं क्या करूँगी, 5 मिनट इसको ऐसा मिक्स कर, ऐसे रख के 5 मिनट ढक्कन बंद करके रखूँगी, फिर इसे मैं सर्व करूँगी। सॉफ्ट करके बंद करके रखा था, इसको बोलते तालीचे होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तब इस तरह से ये हो गया मेरा, मस्त बन गया, आप देख सकते हैं मेरा शाइन भी फूट गई। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करूँगी, देख सकते हैं मेरा कूट करी रेडी हो गया, ऐसे देखो गरम गरम धुआं ऐसे दूर उधर निकल रहा है। अब मुझे बताना मेरा कूट करी आपको कैसा लगा, ओणम स्पेशल, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।